नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड करने जा रहे हैं या फिर बीएड करने की आप सोच रहे हैं, शिक्षक बनने की सोच रहे हैं, तो ये न्यूज आपके लिए काफी काफी बड़ी गुड न्यूज आपको ये न्यूज देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि काफी बड़ी गुड न्यूज आपके बीच शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो इसी तरीके से आपके अपने चैनल से मिलती रहेगी। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट कर सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी गुड न्यूज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने न्यूज दिखाई ले, यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा दें ये अपडेट कब की है, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा प्रूफ, ये देखिए 10/8/2021, और ये टाइमिंग आप भी दे सकते हैं, यानी कि आज ही की डेट की ये अपडेट आ रही है। तो यहाँ की बिना पढ़ाए ही मिलेगा बीएड डिग्री, टेट टीजीटी व पीजीटी क्वालिफाई कर छात्र बनेंगे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों को एक भी पीरियड भी नहीं पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के योग बनाए जाएंगे हजारों छात्र छात्राएं। जी हाँ, इस बार बीएड की डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं भविष्य में टीईटी, टीजीटी व पीजीटी क्वालिफाई कर विभिन्न स्कूलों में शिक्षक बन जाएंगे, और इन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान तो होगा लेकिन पढ़ाने का अनुभव नहीं। तो ऐसे में शिक्षक कितना सफल होंगे यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन देश के भविष्य को देखते हुए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यानी कि सीएसजेएमयू से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में बीएड का कोर्स संचालित होता है, और ये 2 वर्षीय इस कोर्सों में छात्रों को पढ़ाने से संबंधित जानकारी देने के साथ स्कूल में टीचिंग भी कराई जाती है। मगर कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने वाले छात्र छात्राओं ने, दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी इन कम समय में करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन आप लोगों के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस पेपर लेकर आया है, और ये काफी अच्छी बुक है। दोस्तों, इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बुक एक्सपर्ट के साथ तैयार की गई है और आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और पूरे क्वेश्चन को बेहतर व्याख्या के साथ आपको ये बुक मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को इस बुक को जरूर परचेज करें। दोस्तों, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आप चाहे इस बुक को घर बैठे भी मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। साथ ही चक्षु प्रकाशन की गाइड भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको गाइड भी लेनी है तो आप पूरी गाइड भी ले सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी इस बुक को खरीदिए और अपनी सरकारी नौकरी पक्की करिए। छात्रों ने टीचिंग नहीं की है और अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीचिंग का प्रैक्टिकल लेने से भी मना कर दिया है, यानी कि इन छात्रों को सिर्फ लिखित परीक्षा ओएमआर वेस्ट के आधार पर ही सभी में अंक देकर डिग्री दी जाएगी, और एनसीटीआई के मानक के अनुसार बीएड में 5 माह की टीचिंग अनिवार्य है, जबकि इस बार टीचिंग तो एक भी क्लास तक नहीं लगी है। वहीं कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ कुसाप्टा के अध्यक्ष व बीएड के प्रशिक्षक डॉक्टर कमलेश यादव ने कहा है कि बिना टीचिंग किए बीएड की पढ़ाई पूरे जो होना वो गलत है, ठीक है। विश्वविद्यालय के टीचिंग प्रैक्टिकल कराने को लेकर भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आप लोग के लिए आ रही है, यहाँ पर सीधे आप देख पा रहे कि बिना पढ़ाए ही यहाँ पर आपको बीएड की डिग्री मिल रही है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट टीजीटी व पीजीटी क्वालिफाई करें, टेट क्वालिफाई करें, उसके बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये फाइनली आप लोगों के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज आ रही है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से यूपी बीएड से रिगार्डिंग या फिर आप बीएड से कोई भी अपडेट आती है तो आपके अपने चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।